मित्रों, ये मृत्यु लोक है। जो भी इस लोक में आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इस अटल सत्य से कोई भी नहीं बच पाया। अमीर, गरीब, लंबा, बौना, काला, गोरा, हर प्राणी जिसमें श्वसन क्रिया चल रही है उसे इस हाड़ मास के शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर एक दिन तो चले ही जाना है। लेकिन शरीर के भीतर की आत्मा वो कभी नहीं मरती, कभी नहीं जलती, कभी समाप्त नहीं होती। वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर अपना घर बदलती रहती है। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और आत्मा रूपी ऊर्जा शरीर से निकल जाती है, उसकी गति किस प्रकार की होती है? जिस प्रकार आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने पर नई नई गतिविधियों और असामान्य स्थितियों का सामना करते हैं, उसी प्रकार आत्मा के लिए भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। अत्यंत दुख और कष्ट आत्मा को झेलने ही पड़ते हैं। उन्हीं दुखों और कष्टों की जानकारी आज की प्रस्तुति में हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला, आत्मा भी दुखी होती है। मित्रों, किसी जानवर को भी हम 4 दिन पाल लेते हैं तो उससे लगाव हो जाता है, और ये आत्मा तो वर्षों तक हमारे शरीर में हमारे साथ ही रहती है, तो उस पर भी सांसारिक माया का आवरण चढ़ ही जाता है। इसलिए जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा भी अपने मृत शरीर को देखकर दुखी होती है, और वो मृत शरीर के रिश्ते, सगे संबंधियों, परिजनों से ये कहना चाहती है कि मैं यही हूँ, लेकिन वो कह नहीं पाती। दूसरा, अचेत अवस्था। मित्रों, जब मनुष्य अपने शरीर को छोड़ता है तो कुछ पल तो आत्मा इसी कश्मकश में रहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ ये मनुष्य, मेरा स्वामी, अभी गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन अगले ही कुछ पलों में आत्मा रूपी परमात्मा की ज्योति समझ जाती है, वो जागृत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। तब यम के दूत उसे लेकर यमराज के पास पाप और पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए उसे ले जाते हैं। तीसरा, तड़पना, छटपटाना। मित्रों, शरीर में तो जुबान होती है, और जब मनुष्य की जुबान पुकारती है तभी किसी प्राणी के कान सुन पाते हैं। लेकिन आत्मा रूपी ज्योति जब शरीर से निकलती है तो अपने स्वामी के मृत शरीर को देखकर विलाप करने वाले परिजनों से वो भी आत्मीयता के साथ जुड़ जाती है। वो बेचैनी से छटपटाते हुए बहुत कुछ कहती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि वो आवाज, वो ध्वनि जो आत्मा निकालती है, वो अलौकिक संसार की ध्वनि होती है। और मनुष्य के पास एक कमी है कि वो केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है, अलौकिक वस्तुओं को नहीं। चौथा, वापसी का प्रयास। जैसा कि हमने पहले बताया, मोह माया के बंधन से कुछ क्षण के लिए आत्मा भी बंध जाती है, और मृत शरीर को छोड़ने के बाद मोह माया के बंधन से बंध के कोशिश करती है कि फिर से वो उसी शरीर में प्रवेश कर जाए। लेकिन यम के दूत उसे समझाते हैं कि मोह माया परम आत्मा के लिए व्यर्थ है, और परम आत्मा का ही एक रूप तुम हो। तुम्हारे स्वामी इस मृत शरीर ने अपने जीवन काल में जो जो पाप किए हैं, यमराज को उसका हिसाब देने का समय आ गया है। फिर धीरे धीरे आत्मा भी इस बात को स्वीकार करने लगती है, और मोह के बंधन कमजोर हो जाते हैं। मृत्यु लोक से विदा लेकर यमराज के सामने प्रस्तुत होने के लिए आत्मा तैयार हो जाती है। पांचवा, आत्मा की गलतफहमी। मित्रों, वर्षों तक एक ही शरीर में रहने के बाद जब यम के दूत आत्मा को शरीर से अलग करते हैं, तब तक उसे ये पता ही नहीं होता कि ये यम के दूत हैं और उसके शरीर से उसे अलग कर रहे हैं। जागृत अवस्था आने से पहले आत्मा अपने उसी पुराने शरीर, पुराने स्वामी के समान ही व्यवहार करती है, लेकिन अचानक ही वो जागृत हो जाती है। छठवां, आत्मा का दुख। मित्रों, यह तो सत्य है कि आत्मा परम आत्मा का ही एक सूक्ष्म रूप है, लेकिन परमात्मा भी अपने मनुष्य रूपी अवतार
श्री कृष्ण और भगवान राम के रूप में माया के बंधनों से बचे नहीं रह पाए। उसी प्रकार शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा शरीर के परिजनों भौतिक संबंधों को रोते बिलखते देखकर खुद भी व्याकुलता से रोने लगती है। कुछ क्षण के लिए वो समझती है कि उसके अपने परिजन हैं। वो लाचार होती है, उसके वश में कुछ भी नहीं होता। अपने स्वामी मृत शरीर के द्वारा अपने जीवन काल में किए पाप कर्मों को याद करके आत्मा बहुत रोती है, लेकिन यम के दूत आत्मा को समझाते हैं कि यमराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर्मों के अनुसार फल तो भोगना ही पड़ेगा। सातवां, आत्मा की नई यात्रा। कुछ ही क्षणों में जागृत होकर सचेत होकर आत्मा यमदूतों के साथ एक ऐसी यात्रा के लिए निकल पड़ती है जहां पर मृत्यु लोक की कोई सीमा नहीं है, जहां ना सूर्य की रोशनी है ना चांद की चांदनी, हर कहीं अंधेरा है। यहां पर आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार कुछ क्षण के लिए विश्राम करती है, पश्चाताप करती है और यम के दूतों के साथ कुछ विचार विमर्श करके जल्द ही नया शरीर भी धारण कर लेती है। लेकिन कुछ आत्माएं लंबे समय तक विश्राम करती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार मन मुताबिक ही शरीर धारण कर पाती हैं। मित्रों, आज आपने जाना कि आत्मा का वो सफर जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का होता है वो कितना कष्टदायी होता है। आशा करते हैं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।